करना चाहिए ताकि देश से लेते हुए मेथेड में हम लोग तो देश से पहुँचे मेथेड में, तो जिस तरह अपनी मुनासिबत है मुझे कुछ फरमाइशें भी की गई है, लेकिन अब फरमाइशें ठीक होकर फरमाइशें ही मैं पढ़ देता हूँ। शाबाश भाई माशाल्लाह पढ़ के गए, अखी हम मदीने बच रह गई है, आखिर मदीने में रह गई, मदीने का जिक्र तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मदीने का ही जिक्र करूँ, फरमाइश भी ऐसी है कि मदीने का ही जिक्र करना है। हमारे भाई अब्दुल कादिर नौशाही, हमारे नहीं पूरे यूरोप के मालूम नाथवा भाई अब्दुल कादिर नौशाही, उनकी फरमाइश है कि भैया को देखकर हम पढ़ना है, तो उनकी फरमाइश को लेकर हम पढ़ना किया है। मदीने का जिक्र की आशा है और बगैर किसी कम ही दो तकल्लुफ को लेकर आप कागज करता हूँ। शाह कहता है हर मदीने वाले का, ये है भाई अब्दुल कादिर की फरमाइश। कहता है कि हर सुहेज़ हर मदीने वाले का, नूरानी दरबार मदीने वाले का, नूरानी दरबार मदीने वाले का, नूरानी दरबार वाले का। लेके चलो अब मुझको मदीने, लेके चलो दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बीमार मदीने वाले का, मैं तो हूँ बीमार मदीने वाले का, मैं तो हूँ बीमार मदीने वाले का, मैं तो हूँ बीमार मदीने वाले का, मदीने वाले का। कि जब ये लोग कहें, मुझको होगा नाज कि जब ये लोग कहें, मुझको होगा नाज कि जब ये लोग कहें कि ये मंगता है सरकार मदीने वाले का, मंगता है सरकार मदीने वाले का, मंगता है सरकार मदीने वाले का, ये मंगता है सरकार मदीने वाले का। मुझे रोका फरिश्तों ने तो बेदम ये सरकार आई, कैसे जाने दो जन्नत में, ये मंगता है सरकार मदीने वाले का, मंगता सरकार मदीने वाले का। सबसे ऊंची शान मदीने वाले की, सबसे ऊंची शान मदीने वाले की,
मदीने वाले की उधर रुतबन कोई तो नहीं कि उधर रुतबन कोई तो केड़ा विनीस करे जिदे मुंह बिच रब बोले जिदा जग परवाना है सबसे बड़ा दरबार मदीने वाले का
सबसे बड़ा दरबार मोहसिन एक दिन जाएंगे हम तैबा में मोहसिन एक दिन जाएंगे हम तैबा में देखेंगे दरबार मदीने वाले का देखेंगे दरबार मदीने वाले का दरबार देखेंगे दरबार मदीने वाले का। ये हमारे भाई फैसल मजजू ये हमारे अजली साथी है इनका हुक्म था कि भैया मौका हो ना तो वो जरूर पढ़नी है। अब वो पढ़नी अगर ये फरमाइश ना भी करते ना तो भी मुझे ये कलाम पढ़ना था जामे हनफिया में जब भी महफिल हुई मुझे याद नहीं पड़ता कि ये कलाम मैंने ना पढ़ा हो तो ठीक है। अब आज तो ये समझिए कि उन्हीं की फरमाइश पे मैं पढ़ा हूँ क्योंकि मेरा और ये भी याद रखेगा कि उनकी फरमाइश ना होती तो भी मुझे ये कलाम पढ़ना था। कैसा है शाह शाह ने कहा के बेड़ा मोहम्मद वाला लेंदा पे तीन माशाल्लाह की बात है तीन खुश नसीब है जो इस महफिल के तसद्दुक से हुजूर की बारगाह में पहुंचे भी सरकार की बारगाह पंजाबी शायर इस खाश का इशारा करता है कहा कि शाला ओ दिन भी आवे सुना सनू कोल बुलावे पांचवा और आखिरी शेर कहता है शायर कि आप इस समय में भी
से आधा सदका नरवा से आधा सदका नरवा से आधा सुन मेरी आजारियां सदका नरवा से आधा सुन